healthcare is definitely as human beings uh, not only human beings even for our pets and you know livestocks everywhere health is very very important or health to her it is again you know today's, today's, doing, modern healthcare big data is playing a very very important role uh, I, you know it is very much relevant so uh, i was visiting one of the companies और उन्होंने मुझे एक अपना सोलूशन दिखाया जिसके अंदर सेंसर जो थे उन्होंने जो उनका डे डेरी फार्म में जो उनका पूरा लाइफ स्टॉक है हर एक के साथ सेंसर लगे हुए हैं और वो सेंसर डाटा जनरेट कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि इसने ये जो भी आपका लाइफ स्टॉक है उसने खाना पूरा खाया है दूध कितना दिया है उसको टेम्परेचर तो नहीं है किस टेम्परेचर में वो ज़्यादा दूध देते हैं किस टेम्परेचर में वो कम दूध देते हैं यू नो किस सीज़न में कौन सा खाना उनको ज़्यादा उनके लिए फ़्रूटफुल है तो जस्ट इमेजिन कि ह्यूमन बींग्स के साथ साथ ये जो लाइफ स्टॉक है उसकी हेल्थ केयर के लिए भी देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट अच्छा कमिंग बैक टू ओवर हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ भी या दुनिया में भी बिकॉज़ वेन वी आर यू नो लाइक स्टडिंग दिस थिंग वी हैव टू हैव बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस ताकि हम अपना जो विजन है उसको ब्रॉड कर सकें अंडरस्टैंड कर सकें वट इज़ दी अल्टीमेट इन दिस पर्टिकुलर एरिया ना कि हम किसी लिमिटेड स्फीयर में रहकर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें अभी मैं आपके साथ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है बेसिकली इन द मॉडर्न वर्ल्ड अगर उसकी बात करें तो उसमें मोस्टली हेल्थ इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इंश्योरेंस या गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी होती है और कुछ इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की वो उसको सपोर्ट करती हैं दे मेक श्योर दे पे अगेन ये इट विल डिपेंड कि आप दुनिया के किस मुल्क में हैं लेकिन मोस्ट प्रॉबली जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या सम अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ एशियन कंट्रीज़ भी दे आर बेस्ट इन हेल्थ केयर उनके ये जो सिस्टम बड़े ज़बरदस्त हैं और यू नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर हेल्थ तो अब हम कमिंग बैक टू ओवर सब्जेक्ट अगर डेटा साइंस या बिग डेटा और एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जी क्योंकि ये जितने भी पेशेंट एक दिन में वो कोई भी हॉस्पिटल देखता है सपोज़ अगर उनकी तो सारा इंश्योरेंस के थ्रू है तो उनकी जो क्लेम है जितने पेशेंट आए समॉडी हैज़ टू पेयर टू तो द डॉक्टर और द क्लिनिक और दॉस्पिटल अगर वो फ़र्ज़ करो सोशल सिक्योरिटी या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है तो उनको उन्होंने पूरी एक तफसल भेजनी है जी कि इतने पेशेंट मेरे पास आए थे कि कौन था उनका एज ग्रुप था एथनीसिटी क्या थी बीमारी क्या थी हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दी किस डॉक्टर ने देखा उसको हमने टेस्ट लिख के दिए उसका कोई प्रोसीजर हुआ उसकी सर्जरी रिकमेंड की यू you नो know? तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है अब इसको हैंडल कैसे करना है उसके पीछे पूरा एक मेकनिज़म है वो तो बेशुमार सिस्टम है उसके पीछे जिसके जो कि आपको फिर हेल्प करते हैं टू कलेक्ट द डेटा तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर फैक्टर कि जो ऑब्वियसली जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है उसने अपनी रिकवरी uh, करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट और लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन ई एम आर या ई एच आर ई एम आर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और देशेंट ई ए एच आर इज इलेक्ट्रॉनिकल्थ रिकॉर्ड थोड़ा सा फ़र्क दोनों में यह कि ई एम आर जो वो मोस्टली जो क्लिनिक्स वगैरह या जो वो जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं स्मॉल हॉस्पिटल है वहाँ का जो डेटा ये सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ई एम आर और जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट लेवल पर उसको ई एच आर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तो थोड़ा सा जैसे हेल्थ साइंसज़ होती हैं और थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है बट दे ओवरलैप कोई इनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इस तरह से नहीं कर सकते तो ये ये कुछ चीज़ें ये हैं अच्छा अब उसके बाद आप आ जाएं जो ट्रीटमेंट हो रही है हमने सीटी स्कैन की आपकी रेडियोलॉजी की और इस तरह की बातें की पैथोलॉजी की बातें की कि डेटा जो कि के, हेल्थ केयर के अंदर अब आप देखें कि डेटा कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सबसे तो पहले पेशेंट्स का डाटा उनकी हेल्थ का उनकी हेल्थ की हिस्ट्री फिर उनकी ट्रीटमेंट फिर जो उनकी रिपोर्ट्स हैं फ़र्ज करें जो मेडिकल हिस्ट्री है उससे रिलेटेड डाटा है जो उनके एक्सरेज हैं सी टी स्कैन है एम आर आई है और डॉपलर इफेक्ट की जो रिपोर्ट होती है ये जो सारी चीज़ें बेसिकली इट इज़ डेटा और ये डेटा अभी तक जो हमने तीन चार चीज़ें डिस्कस की हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली राइट और फिर इसके अंदर आपका वो जब ये क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो देन दे गो टू अ डिफरेंट सिस्टम टू अ डिफरेंट कंपनी देर इज़ समथिंग डेटा क्लियरिंग हाउस इन बिटवीन सारे जो ये जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर उसको डाटा भेजते हैं वो फिर गवर्नमेंट के साथ या जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है हु एवर लज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट उनके साथ वो पूरा करते हैं तो वहाँ पे आप देखें तो अगर आप जितनी हमने अभी तक डिस्कशन की है सो फार इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर डाटा आ गया इन टर्म ऑफ पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन पेमेंट के आ, उसकी पेशेंट की पेमेंट की इन्फॉमेशन उसकी अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर डेटा अब आप देखें हमने उसकी जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स की बात की रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स की बात की ये आ गया उसका अनस्ट्रक्चर डेटा अब यही डाटा अगर हम उसको देखें जो ए के थ्रू जब आप ई डी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जब वो आप उस डेटा को शेयर करते हैं उसके साथ क्लियरिंग और उसके साथ या किसी जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ तो अब जब वो ई हो रहा है तो उसमें हो सकता है आपका एक्सएमए क्योंकि ए आ जाते हैं ना फिर तो फिर आप हो सकता है कि आप जैसोन यूज़ कर रहे हो आप एक्स यूज़ कर रहे हो तो आप ये देखिए कि विद इन वन इंडस्ट्री आपके बिग डाटा स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं विद इन वन इंडस्ट्री अभी हमने इसको आई हैवन डिस्कस इट एट लेंथ कि मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर कितनी चीज़ें हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट का देखें तो उसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट से ले उसके जितने विज़िट्स हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा देर के लिए बीमार है तो एक विज़िट दो विज़िट दस विज़िट उसके दरमियान उसके जो ट्रीटमेंट हुई जो उसकी जो फ़र्ज़ करें उसके जो चेंजेस आई उसकी हेल्थ के अंदर जो उसको ट्रीटमेंट दी गई एवरीथिंग हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन वन सिस्टम और फिर इसके अंदर आप सर टेली मेडिसन को ऐड कर लें कि टेली मेडिसन में पेशेंट इज़ नॉट विजिटिंग योर डॉक्टर इन पर्सन वो अपने घर पे बैठा है या कहीं और है या डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर इज़ ट्रैवलिंग और वो दुनिया के किसी और हिस्से से अपने पेशेंट को uh, जो ना एक्सेस करता है और उसको ट्रीट करता, करता है या उसको एडवाइज करता है या उसको प्रेसक्राइब करता है तो दैट इज़ सो इट इज़ हैपनिंग तो ये अगर आप देखें तो आपको हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ दी वेरी वेरी वेलड यूजकेस वैसे अगर आप देखें तो एवरी इंडस्ट्री इज़ अ वैलड यूजकेस इन टूडेज़ वर्ल्ड हमने रिटेल ई कॉमर्स सोशल मीडिया बैंकिंग इंश्योरेंस यू नो टेलीकॉम सब में देखा है कि कोई इंडस्ट्री अब ऐसी नहीं है जिसे आप कहेंगे कि ये एग्जेम्प्टेड है बिग डाटा की कि इस, कि इस इंडस्ट्री में बिग डाटा का रोल नहीं है बल्कि आप ये देखेंगे कि यू विल अप्रिशिएट कि ये जो बिग डाटा इट इज़ एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री शायद कहीं आप कोई एक्सेप्शन निकाल लें बट इन विद माई लिमिटेड एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट इज नो एक्सेप्शन एट ऑल इवन आप छोटे छोटे जो शॉप कीपर हैं बिल्कुल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको देखें तो वो भी हर एक की वेबसाइट है सबके सोशल मीडिया पेज़ज हैं इवन इंडिविजुअल्स यू नो स्पेशली ये जो पिछले दो साल में एक चेंज आई है दुनिया में पोस्ट कोविड बल्कि ये तो अभी चल ही रहा है साथ साथ तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि लोगों ने हर बंदा इस पर जो इंटरनेट पे या सॉफ्ट साइड ऑफ द बिजनेस पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं ये एग्जांपल मैंने आपको दी बट आई जस्ट री आई रेट कि आपका जो स्ट्रक्चर डाटा वो कौन सा डाटा है और अगर आप वो जो दूसरी हमने स्टेटिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा की बात की थी तो वो भी यहाँ पे आपका कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल है वो चीज़ें भी आप साथ साथ उनको देखें तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएँगी स्पेशली इन दी पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसमें फिर हमने जे की बात की ईएमआर की बात की एम आर आई की बात की सी टी स्कैन की बात की जो आपकी जो जो पेशेंट की रिपोर्ट्स होती हैं पेशेंट का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और फिर जो जो मॉडर्न ई एम आर है उसके अंदर आपका बिल्ट इन रिकमेंडेशन इंजन ये आपकी जो मशीन लर्निंग है इसके जो एल्गोरिथम्स हैं दे आर बिल्ट इन द मॉडर्न ई एम आर कि उसको डॉक्टर को सिस्टम रिकमेंड करता है कि ये जो, जो इस तरह का पेशेंट आते हैं हमारे पास उनकी हिस्ट्री ये है और उनको आप अगर ये ये आप जब ट्रीटमेंट करते हैं ये ये मेडिसिन देते हैं तो ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर वो डॉक्टर की मर्ज़ी है कि वो आया उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या उसमें कोई चेंज करे बट सिस्टम दे आर सो स्मार्ट दीज डेज़ तो जैसे आपको वेबसाइट पे रिकमेंडेशन इंजन होता है इसी तरह आपके ई के अंदर रिकमेंडेशन इंजन है कि आपने पेशेंट को और एंड देट इज़ बेस्ड ऑन डेटा जब आपके पास हज़ारों लाखों पेशेंट्स का डाटा आता है तो सिस्टम उसको सेग्रीगेट करता है उसकी क्लस्टरिंग करता है उसके ऊपर फिर वो अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करता है और फिर वो कुछ ना कुछ जो है ना उसमें से अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करके तो रिकमेंडेशन देता है कि इस एज ग्रुप के लोग इस एथनीसिटी के इस बैकग्राउंड के इस डिस्ट्रिक्ट के उनको अगर ये यूनो you know, अगर ये सिम्टम्स हैं तो उसको आप ये ये मेडिसिन दें तो ये आपके लिए जो है यूजफुल होगी और पेशेंट विल रिकवर क्विकली या जल्दी क्विक रिकवर करेगा और इसके अंदर अगर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि हमने वी डिड अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर अगर आप कैंसर की टाइप्स की बात करें तो शायद कोई इनकी दर इज़ समथिंग ट्यूमर रजिस्ट्री परफॉर्मर उसके अंदर जो जितने दुनिया के अंदर कैंसर है उनकी टाइप्स उनकी लोकेशन उनकी जो होती है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर और फिर उनके जो डिफरेंट नाम्स हैं तो वो नेम्स हैं उसके हिसाब से उनको जब वो करके देखते हैं तो फिर और फिर उसके बाद उन पेशेंट की डेमोग्राफीज के साथ उसको रिलेट किया जाता है फिर उनका जो सर्वाइवल रेट है जो रिकवरी रेट है उनके साथ जो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस है उसके साथ जब सारी चीज़ों को आप लिंक करते हैं तो उससे बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स होते हैं कि जो मतलब ये कि आप यू कैन डिसाइड एज ए डाटा साइंटिस्ट कि फलां जो डिस्ट्रिक है उसमें फलां एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके दे हैव अ टेंडेंसी टू तो हैव अ पर्टिकुलर डिज़ीज़ और फिर जब आप उसको स्टडी करते हैं तो यू फाइंड कि हो सकता है वहाँ पे पानी ठीक नहीं है वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई इशू है या कोई और इस तरह के प्रॉब्लम है विच हेल्प यू नो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के वो फिर चीज़ों को प्लान कर सकते हैं टू गो बैक टू बेसिक एंड चेंज द थिंग ताकि वो फिर जो लॉन्ग टर्म में इनके जो इम्पेक्ट्स हैं वो दुनिया में ना आए या ये कि लोग कम से कम उनसे लोगों पे उसका इफेक्ट कम से कम हो तो जस्ट टू समराइज ओवर यू नो डिस्कशन एंड लेक्चर्स ऑन बिग डेटा तो हेल्थ केयर की जो हमने एग्जांपल बेसिकली इसीलिए दी है कि एवरी वन नोज यू नो बीइंग ह्यूमंस वी आर गेट टू यू नो वी आर बोन टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इलनेस एयर एंड देयर फैमिली में आगे पीछे तो हमारी इंट्रैक्शन होती रहती है इससे और दूसरा ये कि दिस इज़ मोस्ट क्रिटिकल जैसे वो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ तो अब हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके गिर जो एनालिटिक्स हैं जो पूरा इसका बेसिकली लाइफ साइकिल है हेल्थ का ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बट जस्ट टू समराइज कि देखिए हम चीज़ों को देख रहे हैं विद योर रोल एज ए डेटा साइंटिस्ट अगर एक डाटा साइंटिस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता है लाइफ साइंसिस में काम करता है तो उसके सबसे पहली बात तो ये है कि वो उसके जो डेटा सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं डेटा टाइप इज़ ठीक है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर्ड वट एवर या वेरिएबल की टाइप कौन सी है वो चीज़ें अपनी जगह पे लेकिन उसके पास ई एम आर का डाटा है उसके पास जो जो आपके रेडियोलॉजी इक्विपमेंट है उसका डाटा है और अब ऐसे भी सिस्टम आ गए हैं कि जो रेडियोलॉजी का इक्विपमेंट है या जो लैब का इक्विपमेंट है या उनके जो सिस्टम्स हैं क्योंकि जो ये जो रेडियोलॉजी की मोस्टली इक्विपमेंट है इनके अंदर बिल्ट इन सिस्टम होते हैं ये अपना डाटा बेस भी जनरेट करते हैं और रिपोर्ट्स भी निकाल देते हैं तो उसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने ई के साथ और वहाँ पर जो डॉक्टर है वो या प्रोवाइडर वो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने ई में ही देख सकता है ही डोंट हैव टू आस्क कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जाओ लैब से रिपोर्ट लो फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो उसको जाके दो यू you नो know, तो ये ये एडवांटेजेस हैं सारे बिग डाटा के इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री फिर यही जो इंफॉर्मेशन है uh, आफ्टर एन इंडिविजुअल पेशेंट यही सारा जो डेटा है दैट इज़ बीग यूज फॉर दी रिसर्च एंड एनालिसिस जिसकी बेस पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ काम करती हैं जिसकी बेस पे ये जो आपकी ये जो इंडस्ट्री के मैनुफेक्चर हैं जैसे बड़े बड़े नाम हैं ये जो सीमन्स है आपका तशीबा तो है ये लोग कुछ और कंपनीज हैं जो कि ये हम एम और ये जो इस तरह के जो इक्ुपमेंट डेवलप करते हैं अगर कभी आपका इतफाक़ हुआ हो तो आप अगर देखिए जाके जो बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव तो वो पूरे के पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट इन है उनके अंदर और वो उस बेस पे बेसिकली काम करते हैं और वो बताना मैं ये चाह रहा था कि वो ये जितना इस तरह का इक्वमेंट है वो सारा आपकी ई के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और एंड यू हैव नो डेटा लेक विद इन योर सिस्टम अच्छा फिर दूसरा ये है कि जो आप लोगों ने आ, ये जो जिसकी ट्रीटमेंट की उसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर आ, उसके अंदर मौजूद है जो कि रिसर्चर्स के लिए यूज़फुल है इसी तरह जो फार्मेसी देखिए हॉस्पिटल्स में या ट्रीटमेंट में इसके अंदर फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी का एक अपना रोल है वी हैव टू मेक श्योर एज एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे हॉस्पिटल की फार्मेसी में या ऑपरेशन थिएटर में जो जो मुझे मेडिसिन चाहिए दे शुड ऑलवेज़ बी अवेलेबल ये नहीं है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में और लोग यू नो मेडिसिन ढूंढते फिर रहे हैं तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अगर एक आपके पास एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सिस्टम एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम हो तो यू कैन रियली ब्रिंग डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द पीपल एज अ डेटा साइंटिस्ट थैंक यू वेरी मच